दोस्तों आज असी 13 दिसंबर दे दिन सिख तारीख च होईआं घटनावां दा चर्चा करांगे। सब तो पहली घटना साढ़े को 1705 की है। असी जानते हाँ कि छोटे साहबजादियां नूं नीहां च छिण तो बाद जिहड़ियां गर्दनां लाह दित्तियां गईआं सी, माता गुजरी नूं टॉर्चर करके मार दिता गया सी 12 दिसंबर वाले दिन। 13 दिसंबर वाले दिन इन्हां तिन्हां दा संस्कार जिहड़ा कीता गया फतेहगढ़ साहब, वो जिहड़ा उदों पुराना सरहंद सी, किले दे बाहर वाली थां सी जिहड़ी, वह थां है और अज जिथे अजकल गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बनिया होया है। आम तौर पर इहदे बारे कहा जाता है भी यह संस्कार टोडर मल ने किया, टोडर मल ने नहीं किया, टोडर मल के परिवार ने या उसके पुत्र या पुत्रियां ने उन्होंने किया होगा, क्योंकि टोडर मल तो जो 1665 से मर चुका सीगा, जिहदा साढ़े कोल पुराने दस्तावेजा च जिक्र भी है। फिर एक होर गल जी है टोडर मल बारे मैं बाद च दसागा तुम्हें भी, टोडर मल जे ने अज तक दो हुए ने। एक होर गल दसन वाली यह है कि यह क्या जाता टोडर मल ने सोने दियां मोहरां खड़ियां विछा के ते जिहड़ा है वह जमीन लैके संस्कार किया गया। बिल्कुल मेरी गप है, पता नहीं किसी कथाकार ने या ढाडी ने एक कोलों कर ली या किसी फिक्शन लिखने वाले ने कर दी है कि टोडर मल बहुत अमीर आदमी सी, करोड़ों रुपया का मालिक सी, करोड़ा उदों के करोड़ों का उन्होंने करोड़पति जिहड़ा टोडर मल करोड़ी कहिंदे सी, क्योंकि एक करोड़ मालिया इकट्ठा करांदा उन्होंने हक सी, जिहदे च चौथा हिस्सा वह आप रखिया करता सी कानून के मुताबिक। सो 25 लाख जिहड़ा टका जिहड़ा उहदा हर साल का तां जी इनकम सी, उस करके करोड़पति सी, जमीन उहदी बहुत सी, उन्होंने कितों जमीन खरीदने की लोड़ नहीं सी। और यह गल सही है कि यह संस्कार जिहड़ा टोडर मल के परिवार ने किया, ना कि टोडर मल ने आप किया, पर उंज यह यकीनन है कि टोडर मल का परिवार जिहड़ा वह सदा ही गुरु साहब का सिखां का साथक रहा, सिखां नाल कमिटेड रहा। हुण टोडर मल की गल करिए, टोडर मल दो ने, एक तो सीगा अकबर के वेले का टोडर मल जिहड़ा सारे जानते हैं, तो वह अकबर के दा वजीर सीगा, ते दूजा यह सीगा सलांदा टोडर, इहनू टोडर मल शाहजहान नहीं कहिंदे, क्योंकि इस शाहजहान ने जिहड़ा बड़ा वड्डा अहुदा दित्ता होया सीगा, किसे जमाने च इहदे कोल 100 घोड़सवार 200 प्यादा फौज रखण दा हक सी, यानी उहदा तनखाह जिहड़ी सी सरकार दिया करदी सी। इह वधदा वधदा 1648 विच जिहड़ा इहदा मनसब जिहड़ा है 2000 घोड़सवार ते 4000 प्यादा सिपाहियां दा हो गया, यानी कि इहनां दा इह जिहड़ा तनखाह सरकार दिया करदी सी। इसे साल ही उसनूं राजा दा खिताब भी दित्ता गया सीगा, ते सारी मूढ़िया सल्तनत च सब तो पहला राजा का खिताब जिहड़ा है कि कुछ गिनती के बंदियां नूं मिला सी, तो उहनूं इह उहनां विचों इक सीगा जिन्हां नूं पहले सब तो पहला मिलिया सीगा। 1650 विच इस नूं सुल्तानपुर ते जलंधर ते दीपालपुर, दीपालपुर पोखरा सूबा सी उहनां दिनां च, जलंधर ते सुल्तानपुर दुआबा गिणिया सी, नीम सूबा गिणिया सी, सब सूबा, तो इहनां दोनां दा जिहड़ा उहनूं सूबे दा जिहड़ा इंतजाम दित्ता गया सी, फौजदार बना दित्ता गया सीगा। इहनां दी आमदनी 50 लाख टके सालाना सी इहनां दोनां ज़िलिआं दी उदों तक सी। तो एक आम तौर पर वह भी कहा जाता भी जहाजी हवेली जिहड़ी आ उत्थे पई है, वह बनी हुई है, टट्ठी पई है गुरुद्वारे के सामने है फतेहगढ़ साहब के, वह जी टोडर मल की है, जबकि साढ़े को दस्तावेज दसते भी वह उस टोडर मल की हवेली नहीं, हाँ बड़ी पुरानी हवेली जरूर है। टोडर मल की कि हवेली से यह कोई पता नहीं लगता, क्योंकि ये बारे डाकूमेंट आ चुके भी यह हवेली जी है टोडर मल की नहीं है। बाकी जिस तरह मैं तुम्हें जिक्र किया भी टोडर मल जोड़ा वह 1665 जी वो मौत हो चुकी सी, ये वास्ते साढ़े को बड़ा वधिया सोमा है। मासर उल उमरा जी किताब है सैकंड वॉल्यूम के दूजी जिले 286-87 सफे के जोड़े है ये गल जी दसी हुई भी टोडर मल कौन सी तो उसकी मौत कदों हुई है। सो साढ़े को 13 दिसंबर की अगली घटना 1924 की है, सुंदर सिंह हयातपुरी बबर अकाली लहर का जोड़ा एक बड़ा वाला आगू सगा उसकी इस दिन जेल में ही मौत हो गई। असी जानते हैं भी कि बबर अकालियां ने 1921 तो लैके 1926 तक पंजाब से खास करके दुआबे बड़ा बोलबाला उन्होंने रहा दबदबा कायम रखे, उन्होंने बड़े एक्शन किए हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे जोड़े पुलिस के जोड़े टाउट उन्होंने मारिया भी सगा, और उंज जिस तरह मंडेर का साखा इस तरह कुछ बबर शहीद भी हो चुके सन। इस जत्थे के मुख्य बंदियों का मैं तुम्हारा जिक्र करना चाहगा, एक मास्टर मोहता सिंह सारे जानते हैं, बाद MLA भी रहे, तो अकाली दल जो बनया जो 1920 तो वो अकाली दल बनाने वास्ते पहली अपील जी है इसी जत्थेबंदी कायम कर दी इन्हों की अपनी सी। तो दूसरे जेडे जे खाड़कू दे लहर का पूरा हिस्सा भी बने सन, सन किशन सिंह गड़गज, करम सिंह दौलतपुरी जेडे जिहदे नाम के नाम करके बबर इन्हों कहन लग पे सन, क्योंकि वह अखबार कढ़ता सी बबर। तो उदय सिंह रामपुर चंगियां, तन्ना सिंह बहबूपुर जिसने अपने कछ चो बंब चला के जरा पुलिस वाले भी कई अफसर अंग्रेज भी मारे सन,
बिशन सिंह मांगट, दलीप सिंह ते प्यारा सिंह धामिया, बाबू संता सिंह ने दड़क हरिओं पिंड दा, करम सिंह चिंगड़, दलीप सिंह सादड़ा, हरबख्श सिंह जसोवाल, नंद सिंह, करम सिंह हरिपुर, महेंद्र सिंह पंडोरी, गंगा सिंह, वरियाम सिंह तुग्गा, ज्वाला सिंह, हजारा सिंह मंडेर, दलीप सिंह गोसल, हरबंस सिंह जसोवाल, नंद सिंह हजार सिंह दलीप सिंह गोसल, बंता सिंह परामपुर, सुंदर सिंह मखसूसपुर, नंद सिंह घुड़ियाल, मुनशा सिंह जौहर, जसवंत सिंह खुसरोपुर, आत्मा सिंह जिहड़ा वह भी खुसरोपुर का सिंह, उजागर सिंह बिसरामपुर, शिव सिंह हरिपुर, मुनशा सिंह जौहर, निर्वैर सिंह करतार सिंह, हुकम सिंह महंगा सिंह, ऊधम सिंह भुजंगी, मिलखा सिंह ठाकर सिंह, बख्शीश सिंह बूटा सिंह, सारे जिहड़े सन पंडोरी निजला दे सन। इस तों इलावा हरनाम सिंह सहीपुर, ठाकर सिंह, हरी सिंह, वंता सिंह, यह सारे जिहड़े ने दौलतपुर दे सन। वरियाम सिंह, करतार सिंह, राम सिंह, यह सारे मुजारा कावां दे सन। रतन सिंह सिंगड़ी वाला, रतन सिंह रकड़ा बेट, अर्जन सिंह सूंड, आत्मा सिंह बीका, बसंत सिंह रंधावा, छज्जा सिंह मसाणिया, ठाकर सिंह कठार, ऊधम सिंह जंडू सिंह, दुमन सिंह पंडोरी, महात्मा श्याम सिंह रहंसीवाल, तो अमर सिंह राजेवाल, वतन सिंह गणेशपुर, ठाकर सिंह भाटा, मिलखा सिंह मोरावाली, हरी सिंह खंडा चौड़ा, हरबंस सिंह सराला कलां जिन्होंने 1944 फांसी दी गई, भगवान सिंह फतेहपुर कोठी, और छज्जा सिंह जानथू, दलेर सिंह मननहाणा, सरदूल सिंह बूढ़ेवाली, बंता सिंह बहबरपुर, सुंदर सिंह ब्राह्मण कोट फतूई, सुरजन सिंह हयातपुर रुड़की, धर्म सिंह हयातपुर रुड़की, हरदेव सिंह लाभ सिंह, करम सिंह करण सिंह, हरदेव सिंह सारे ये जसोवाल के सन। गुरबचन सिंह सादड़ा, नारायण सिंह चाटी पिंड, गंगा सिंह डील कलां, प्रताप सिंह छबीरपुर, मान सिंह गोबिंदपुर, बिंद सिंह नंगल कलां, अमर सिंह धारीवाल, दर्शन सिंह चंदा सिंह, दरबारा सिंह, धर्म सिंह मूला सिंह, यह सारे पलाही के सन। भान सिंह मांगड़, चंचल सिंह संगतपुर, सुरजन सिंह डुमेली, करतार सिंह गोंदपुर, करतार सिंह वड्डी डुमेली, दलीप सिंह मानको, करतार सिंह डुमेली वगैरह, यह सन जिहड़े सन बहु रकादियां दे विच मुख सन, जिन्हां चों जिन्ने क नाम इहनूं मिल सके मैं तुहानूं दस्सिया। सो 1922 तक बबर अकाली लहर जिहड़ी है वह अपने सिखर ते सीगी। तो सब तो पहलां जिहड़ा 1 सितंबर 1923 दे दिन जदों बबेली दे साके च करम सिंह दौलतपुर, बिशन सिंह, महेंद्र सिंह बबेली जिहड़े वह शहीद हो गए ने। इस तों बाद जिस तरह बंता सिंह ते ज्वाला सिंह धामिया 12 दिसंबर दे दिन मंडेर च शहीद हो गए ने। वरियाम सिंह तुग्गा जिहड़ा है इहनां दा तीजा साथी है जिहड़ा जो बच के निकल गया सी 8 जून 1924 दे दिन जिहड़ा मुकाबले शहीद हो गया। सही मुकाबले तन्ना सिंह बहबुलपुर जिहड़ा ओ घिर गया तो उसने बंब चला के जिहड़ा अपनी जान दे दित्ती सी। इस तरह साढ़े कोल कई बबर जिहड़े ने मारे जा चुके सन, पर 96 बबरां नूं गिरफ्तार करके उन्हां ते मुकदमा चलाया गया सीगा। ते इहनां विच्चों 5 ते पहले बरी हो गए सन, 99 बाकियां विच्चों 6 नूं फांसी दी सज़ा दित्ती गई। वैसे 6 नूं 1 साल ते 6 नूं अगले साल फिर सज़ा दित्ती गई सी। तो 49 नूं वख-वख म्यादियां कैदां दित्तियां गईआं सन। 34 ਵੈਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਯਾਤਪੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 13 ਦਸੰਬਰ 1924 ਦੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨਿਜਲਾ 19 ਦਸੰਬਰ 1924 ਦੇ ਦਿਨ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨਿਜਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ 13 ਦਸੰਬਰ 1924 ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ 1991 ਦੀ ਘਟਨਾ, 13 ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ, 13 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜੀਆ ਵਾਸੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਿਸਤੌਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਖ 'ਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।